नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल टीटीसी गाइड में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को एक्सेल के अंदर जो हमारा होम टैब होता है उसके बारे में, जो सेल स्टाइल ऑप्शन जो यहाँ पर शो हो रहा है, इस ऑप्शन को सिखाने वाले। इससे पहले यहाँ पर जितने भी ऑप्शन जो हमें शो रहे हैं यहाँ पर, इन सभी ऑप्शन को हम सीख चुके हैं। आज की इस वीडियो में सेल स्टाइल ऑप्शन के बारे में सीखेंगे, ठीक है। तो हम ज़्यादा कुछ टाइम वेस्ट करेंगे नहीं, ठीक है। तो दोस्तों, हमें सीखने से पहले कुछ ना कुछ हमें डाटा की ज़रूरत पड़ेगी। वो हमने डाटा भी नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि डाटा भी बनाने का हम आपको एक एडवांस तरीका सिखाने वाले हैं, ठीक है। तो साथ साथ हम डाटा बनाना भी सीख लेते हैं। तो मान लीजिए हम एक टेबल बनाना चाहते हैं, तो वो टेबल हम किस तरीके से बना सकते हैं। मान लीजिए हम केवल अभी 4 सेल को हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक, वो भी नीचे तक, यहाँ तक हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक। तो पहले सेल में हम नाम डालना चाहते हैं, मान लीजिए जब केवल नेम देना चाहते हैं। नाम जैसे हम लिखने के बाद हम टाइप प्रेस करेंगे। टाइप प्रेस करने से क्या होगा, हम राइट साइड शिफ्ट हो जाएंगे दूसरे सेल में, नेक्स्ट सेल में, ठीक। यहाँ पर हम प्रोडक्ट का नाम डाल सकते हैं, ठीक। फिर से हम टाइप प्रेस करें, फिर से नेक्स्ट में पहुँच जाएंगे। इसके बाद इसमें हम डालना चाहते हैं क्वांटिटी, टाइप प्रेस करें, नेक्स्ट में पहुँच जाएंगे। इसके बाद इसमें हम रेट डालेंगे, रेट, ठीक। इसके बाद फिर से हम टाइप प्रेस करेंगे। अब देखिए कितना ईजी होगा जी, ऑटोमेटिक चलता रहेगा, केवल हमें टाइप प्रेस करना होगा, ठीक। तो मान लीजिए हम इसमें नाम भी डाल लेते हैं, प्रोडक्ट मान लीजिए हम डाल लेते हैं, पेन ड्राइव, ठीक। कितनी पेन ड्राइव, ज़्यादा नहीं, 5 पेन ड्राइव चाहिए। कितनी मिली, मान लीजिए हमें 350 रुपये की एक मिली है, ठीक। इसके बाद रोहितास, ठीक। इन्हें क्या लिया, इन्हें लिया है माउस, ठीक। इन्होंने 10 माउस लिए, ज़्यादा नहीं लिए। एक माउस की कीमत मान लीजिए 150 रुपये, सस्ता वाला ही ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद मान लीजिए आए पवन, ठीक। इन्होंने लिया कीबोर्ड, ठीक। तो कीबोर्ड इन्होंने कितने वाले, कितने कीबोर्ड लिए, मान लीजिए 20 इन्होंने कीबोर्ड ले लिए। एक कीबोर्ड की कीमत है 400 रुपये, ठीक। इसके बाद मान लीजिए आए शिवम, ठीक। इन्हें क्या चाहिए था, मॉनिटर, ठीक। कितने चाहिए मॉनिटर, तो ज़्यादा नहीं, 5 ही मॉनिटर चाहिए हैं। और प्रति मॉनिटर की कीमत मान लीजिए 10,000 रुपये, कम से ही कम हम रख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इतने केवल इतने में हमें डाटा चाहिए। तो देखिए इसमें टाइप प्रेस करने से हमें कोई अन्य की इंटर वगैरह प्रेस नहीं करना पड़ता, हम डायरेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बार बार पर प्रेस करें तो इस प्रकार से हमें मिल जाएगा। इतने को अभी हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर हम सेंटर कर देंगे, ठीक। अब इसका भी लुक अच्छा लगने लगा। अब मान लीजिए हम यहाँ पर भी कुछ सेल इंटर कराना चाहते हैं, जिसमें हम अलग से न्यू इन्फॉर्मेशन लाना चाहते हैं। तो मान लीजिए इस सेल के अंदर हम लिखना चाहते हैं यहाँ पर अमाउंट, फिर इसमें हम लिखना चाहते हैं जीएसटी अमाउंट, इसमें हम टोटल अमाउंट, ठीक है। तो 3 सेल को हम फिर से यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम इसमें लिख देंगे अमाउंट, टाइप प्रेस करेंगे, इसमें हम लिखेंगे जीएसटी अमाउंट, और इसके अंदर हम लिखेंगे टोटल, सॉरी अमाउंट, ठीक। तो टोटल अमाउंट अब यहाँ पर हमारा जो शो नहीं हो रहा, तो हम तीनों को सिलेक्ट करेंगे, तीनों को ही करें, 4 को क्यों करें, 3 को ही करेंगे सिलेक्ट हम, ठीक। इसके बाद हम यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे, यहाँ पर भी कर देंगे, यहाँ पर भी कर देंगे, ठीक। तो ये हमारे हो जाएंगे। अब मान लीजिए अमाउंट, तो अमाउंट में हम किस तरीके से निकाल लेंगे, तो हम यहाँ पर इक्वल लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लिखेंगे C2 इंटू, ठीक है, T2, ठीक, इंटर प्रेस कर देंगे, तो हमारा अमाउंट निकल आएगा। अब हम निकालेंगे GST अमाउंट, तो इक्वल का पहले हमने साइन लगाया। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, तो हम E2 करेंगे, E2, क्योंकि E2 हमारा सेल है, ये वाला हमारा, ठीक, ये सेल हमारा E2 है, यानी कि E हमारी यहाँ पर कॉलम है और हमारा दूसरे नंबर की रो है, ठीक। तो E2 हमने लिया, इसके बाद हमने यहाँ पर किया इंटू, मान लीजिए हम 18% हम GST लगा रहे हैं इसमें, ठीक, इंटर प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पर हम निकालेंगे टोटल अमाउंट, तो E=sum, इसके बाद हम करेंगे E2, और इसके बाद सेमी कोलन नहीं, मतलब कोलन, ठीक है। इसके बाद F2, बस इंटर प्रेस कर देंगे, तो देखिए ये भी हो। अब इन तीनों को हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे, तो देखिए ये हमारी टेबल बनके तैयार हो गई, ठीक है। अब ये हमारी तैयार हो गई, अब हम इन सभी को सिलेक्ट यहाँ से कर लेते हैं। अगर हम इसमें अब यहाँ पर ये लगा दें इसमें बॉर्डर, तब ये और अच्छी लगेगी देखने में, ठीक, कितनी अच्छी अब लगने लगी। ऊपर वाली हेडिंग को हम कुछ बोल्ड कर देते हैं यहाँ पर, जिससे और अच्छी लगे, ठीक। इतना हमारा कंप्लीट हो गया।
तो जी टेबल हमारी बन गई। अब हम आपको सिखाते हैं सेल स्टाइल ऑप्शन का कुछ। अभी तक तो हमने आदर से सीख लिया कुछ, क्योंकि कुछ ना कुछ सीखते रहना ही सबसे बड़ी क्वालिटी होती है, ठीक है। तो देखिए, कुछ सीखने से लिए सबसे पहले मैं अपने डेटा को सिलेक्ट करना, हमने सिलेक्ट कर लिया, ठीक। इसके हम सेल्स स्टाइल ऑप्शन पे जाएंगे, ठीक। जैसे हम जाएंगे, क्लिक करें, क्लिक करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं। पहले ऑप्शन में देखिए, यहाँ पर गुड बैड एंड न्यूट्रल लिखा हुआ, न्यूट्रल, ठीक। तो बैड गुड न्यूट्रल, जैसे आप बैड पर क्लिक करेंगे बैड टाइप का आपको शो हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद गुड देखिए प्रीव्यू यहाँ पर मिल रहा है, ठीक। न्यूट्रल इस प्रकार से मिलेगा, कैलकुलेशन टाइप का इस प्रकार का मिलेगा, चेक सेल इस प्रकार का, एक्सप्लेनेटरी इनपुट, लिंक्ड सेल, नोट, आउटपुट, वार्निंग टेस्ट। इसके बाद टाइटल्स एंड हेडिंग टाइप के कुछ भी हैं। जैसे हेडिंग देखिए, सभी हमारे जितना भी टेक्स्ट था सब हमारा हेडिंग बन जाएगा, ठीक है। हेडिंग कुछ छोटे साइज में, फिर और छोटे साइज में हेडिंग, और छोटे साइज में हेडिंग, टाइटल देखिए टोटल, ठीक है। इसके बाद कुछ नीचे हमारे पास थीम सेल स्टाइल कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी आप करना चाहें आप इजीली से कर सकते हैं, जो भी अप्लाई करना चाहें, ठीक है। तो एक तो इसका यूज ये हो गया, मान लीजिए इस पर हम करना चाहते हैं तो इस प्रकार का हमारा जो हो जाएगा, शो हो जाएगा, ठीक। सेल स्टाइल यानी कि स्टाइलेज बना सकते हैं अपने डाटा को, ठीक है। तो ये सब कुछ हो गया। अब दोस्तों हम आपको और एक खास बात बता दें इसमें, ठीक है। खास बात क्या है, ये है कि यानी कि हम अपने डेटा को यहाँ पर इतने को ही सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर इतने को सिलेक्ट करने के बाद सेल्स स्टाइल पे हम गए। अब यहाँ पर जो नंबर फॉर्मेट में यहाँ पर ऑप्शन शो हो रहे हैं आपको, ठीक, इनका यूज हम आपको सिखाते हैं। मान लीजिए हमने कोमा पर क्लिक किया, यहाँ पर तो देखिए क्लिक किया भी नहीं, उससे पहले ही हमें मिल गया रिजल्ट, यहाँ पर शो होने लगा। मान लीजिए अगर हम इस पर क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं इस प्रकार का प्रीव्यू आएगा। अगर ये कोमा जीरो लिखा, अगर इस पर क्लिक करें तो इस प्रकार का प्रीव्यू हमें आएगा, ठीक। इसके बाद अब दोस्तों हम करेंसी पर अगर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार प्रीव्यू आएगा। एक बार हम क्लिक ही कर देते हैं जिससे और अच्छा हमें लगे, देखिए इस प्रकार का हमें आएगा रिजल्ट, ठीक है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर करेंसी जीरो पर क्लिक कर देंगे तो इस प्रकार का रिजल्ट हमें मिलेगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम इस परसेंटेज पर क्लिक कर देंगे तो देखिए इस प्रकार का प्रीव्यू हमें मिलेगा। एक तो इसका ये यूज है। दोस्तों आपको हम एक और ख़ास बात यहाँ पर एक और सिखा देते हैं, ठीक। मान लीजिए हम यहाँ पर इसे नॉर्मल कर देते हैं इस समय, ठीक। टोटल को सेलेक्ट कर लेते हैं, टोटल को कर लेते हैं सिलेक्ट, सभी को कर देते हैं नॉर्मल। अगर आपको स्टाइल नहीं चाहिए तो यहाँ पर ये नॉर्मल ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पहले जैसे ही हो जाएगा सब कुछ आपका, ठीक है। तो कोई दिक्कत बार नहीं, इन सेलों को हमने सभी को सिलेक्ट किया। इसके बाद हम आए यहाँ पर स्टाइलेज पर, ठीक है। अब मान लीजिए हम चाहते हैं न्यू सेल स्टाइल, इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन शो होने लगेंगे, ये नंबर है, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, फिल, प्रोटेक्शन, सभी ऑप्शन हैं। यहाँ पर हमें फॉर्मेट पे क्लिक कर देना है। फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो ये सभी ऑप्शन आपको देखने, इसे हम कुछ नीचे ले आते हैं, ठीक। तो जो ऑप्शन यहाँ पर, जो ऑप्शन हमने यहाँ पर सीखे थे, यहाँ पर नंबर फॉर्मेट के अंदर जो हमने ऑप्शन सीखे थे, वही सब ऑप्शन हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। अलाइनमेंट वगैरह मिल रहे हैं, फॉन्ट, बॉर्डर, फिल, प्रोटेक्शन, जो कुछ करना चाहें हम कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। मान लीजिए हम नंबर पे ही चलते हैं। और मान लीजिए यहाँ पर हम करना चाहते हैं डेट, ठीक, डेट करना चाहते हैं, डेट पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे हम, ठीक। यहाँ पर भी ओके कर देंगे। अब आप देखिए कुछ भी यहाँ पर इफेक्ट नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं। फिर से हम सेल स्टाइल ऑप्शन पे जाएंगे। अब आप देखेंगे, अब आप क्या देखेंगे, यहाँ पर स्टाइल बन आ गया। पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं था, कस्टम था, नहीं कुछ भी नहीं, गुड बैड एंड न्यूट्रल था। अब यहाँ पर स्टाइल बन आ गया, स्टाइल बन पे क्लिक करें तो हमें डेट मिल जाएगी, ठीक है, डेट बन जाएगी। बट हम यहाँ पर फिर से एक बार आपको दिखा दें, इस पर क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पे जाएंगे। अब मान लीजिए हम चाहते हैं यानी कि हमारे परसेंटेज आए, ठीक, थोड़ी करेंसी के रूप में हम चाहते हैं, यानी कि स्टाइल टू बन गया है करेंसी के रूप में, तो सिंपली ओके कर देंगे यहाँ पर, फिर से एक बार ओके कर देंगे। अब यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं, सेल स्टाइल ऑप्शन पर जाएंगे। अब देखिए स्टाइल बनाया स्टाइल टू, तो स्टाइल वन हमारा डेट के लिए था, हमने बनाया था, स्टाइल टू हमने करेंसी के लिए बनाया था, ठीक है। इतना होने के बाद अब हम अपने माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे, सॉरी मिस्टेक हो गई बाई चांस। अब देखिए स्टाइल वन है, इस पर हम माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे। जैसे ही प्रेस करेंगे अब यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन, अगर अप्लाई क्लिक कर देंगे तो हमारा डेट फॉर्मेट में आ जाएगा, ठीक है। अगर इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहें तो हम इस पर क्लिक करके फिर से हम कोई नंबर ले सकते हैं। मान लीजिए परसेंट नहीं, हम कुछ और करेंसी वगैरह लेना चाहें वो ले सकते हैं। अगर डुप्लीकेट चाहें तो इसका डुप्लीकेट हम बना सकते हैं, तो स्टाइल टू या थ्री नाम से और बन जाएगा हमें हमारे पास, ठीक। और डिलीट करना चाहें तो हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर डिलीट कर देते हैं इसे। तो आप देखेंगे यहाँ पर स्टाइल वन हमारा डिलीट हो चुका है, इसी प्रकार हम स्टाइल टू को भी यहाँ से
डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों अब आप कमेंट कर में हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, कि अगर अच्छी लगी हो तो हमें वो भी बताएं, अगर कोई दिक्कत हो वीडियो में तो वो भी कमेंट में बताएं, ठीक है। और दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आएँ और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।